जे टी आर मीडिया हाउस के प्लेटफार्म से जे टी आर मीडिया हाउस का दरस कुरान के हवाले से खूसी प्रोग्राम या यान्नास <स्थार्थ> नाजर मोहतरम आज हम इनशा लजीज़ कुरान मजीद की जिस सूरत का आगाज करने जा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे इन इतवार के रोज इसी सूरत यही सूरत इनशा मुस्तकिल चलेगी जब तक ये सूरत मुकम्मल नहीं हो जाती सुरह हजरा आज हमारा मौजू होगा इन शाह जिसका तर्जु जिसकी तफसीर तोज़ी इन शजीज़ इस प्रोग्राम में हम सीखेंगे समझने की कोशिश करेंगे और यकीन इस प्रोग्राम के रेफरेंस से आप अजरात भी इसमें शामिल होंगे सीखने के इस अमल में तो नाजिर मोहतरम अल्लाह रबुुल्ज़्त कुरान मजीद मेंशाद फरमाते हैं वालकद यसन अली जिक्र फहलम मुद्द कर और शेख उम हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी ऊस्मानी साहब ने क्या है खबसूरत किया है इस आयत का और हकीकत यह है कि हमने कुरान को सीखने के लिए नसीहत हासिल करने के लिए बहुत आसान कर दिया है अब क्या कोई है जो नसीहत हासिल करे तो हम और आप हमें अपने अमल से ये बताना है अपने रब को अपने परवरदिगार को कि अल्लाह हाँ हम हैं हम हैं नसीहत हासिल करने वाले हमारे अंदर नसीहत की तलब है आप हमारे सीने खोल दीजिए अपने इस कलाम की नसीहत को ताकि वो अपने अंदर समा सकें अब नाजर मोहतरम आज सूर्य हजरात की पहली चार आयात मसब हमारे साथ मौजूद हैं जनाबे मुफ्ती शफी चित्राली साहब बरक़ात हूँ रशीद कराची के सीनियर उस्ताज होने के साथ साथ आप रशीद के जो जरा अबलाग है रशीद का पूरा नेटवर्क है जराए अब्लाग का सहाफत का जो नेटवर्क जो आप कहते हैं उससे वाबस्त हैं रोजना इस्लाम जामत रशीद का एक रोजनामचा है जो रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान के तमाम तकरीबन बड़े शहरों से वो पब्लिश होता है उसके आप एडिटोरियल हेड हैं उसके इदारती सफा के मुदीर हैं तो मैं बहुत खुश आमदेद कहता हूँ मुफ्ती साहब को प्रोग्राम में वो सब आज पहली चार आयात में हम बात करेंगे ना इनशा अजीज तकरीब में तो सबसे पहले हम इन पहली चार आयात शुरह हुजरात की पहली चार आयात की तिलावत सुनेंगे इनशा और उसके बाद तर्जुमा तफसर का ज़ाहिर है सिलसिला है तो तिलावत के लिए हम दरख्वा करेंगे जनाब कारी मोहम्मद काशिफ साहब जामतरशीद के शोबा कुलतुलकर के उस हैं कि वह तिलावत क्लाम पाक से हमें नवाजें और उसके बाद अगला सिलसिला इनशा اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك. الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا जाकुमल्ला खरे साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका बड़ी खूबसूरत अंदाज़ में आपने तिलावत फरमाई और हमारे दिलों को मुनवर किया इस कुरान के नूर से अब इन आयात का सलीस तर्जुमा आसान तर्जुमा कुरान शेख इस्लाम हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी यास्मानी साहब दामद पर हूँ उस उससे आपको पढ़ सुनाएंगे और उसके बाद तफसीर का इनशा सिलसिला है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फ़रमाते हैं या अय्युहल लज़ीना आमनू ला आमन लातम बिन व रसूल ही वत ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल के आगे ना बढ़ा करो और अल्लाह से डरते रहो समीउन अलीम यकीनन अल्लाह ताला सब कुछ सुनता सब कुछ जानता है या अय्युहल लज़ीना आमनू ला तरफ़ास्वातकुम फ़ो सौतिन नबी ए ईमान वालो अपनी आवाज़ें नबी की आवाज से बुलंद मत किया करो ला लातर और ना उनसे बात करते हुए इस तरह जोर से बोला करो जैसे तुम एक दूसरे से ज़ोर से बोलते हो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएं और तुम्हें पता भी ना चले इदीन असवा रसूल الله قلوبهم للتقوى لهم व अजर नाज़ीम यकीन जानो जो लोग अल्लाह के रसूल वसल्लम के पास अपनी आवाज़ें नीची रखते हैं ये वही लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने खूब जाँच कर तकवा के लिए मुंतखब कर लिया है उनको मगफ़रत भी हासिल है और ज़बरदस्त अजर भी इदीन यून का हजराती अक्सर ला याक़िल ए पैगम्बर जो लोग तुम्हें हजरों के पीछे से आवाज़ देते हैं उनमें से अक्सर को अकल नहीं है नाजर मोहतरम आयात आयात मुबारक और तर्जुमा उनका आपने समाज फरमाया मुफ्ती शफी चित्राली साहब साथ मौजूद हैं सबसे पहले उनकी खिदमत में जाऊँगा मुसाब तफसीर तो आप इंशाल्लाह बयान फरमाएँगे ही इनायात की चूँकि आगाज़ है सूरत का और ये आगे इंशाल्लाह चलेगी अब जब तक ये मुकम्मल नहीं हो जाती है और हम इसको समझने की आपसे कोशिश भी करेंगे हर इतवार इंशाल्लाह। सबसे पहले सूर्य हुज़रात का जो नाम है इसको सुरह हुज़रात क्यों कहा अल्लाह तब से पहले आप ये बताएँगे हमें और उसके बाद हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस सूरत का शान नज़ूल क्या है क्योंकि सूरत का शान नजूल जब तक हम नहीं समझेंगे तो आगे उसका समझना शायद उतना आसान और सहल नहीं रहेगा जजाक बसम बसमिल्लर नहमदल रसोल कर करीम अम्माबाद नाजरन कराम मजीद अल्लाह ताली की वजीम शान किताब है कि जिसको अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है मजीद से पहले जो किताबें नाजिल हुईं और जो सहाइफ़ उतरे वो मखसूस कौमों और मखसूस इलाक़ों या मखसूस बस्तियों तक के लिए थे लेकिन जब इंसानी शूर का सफ़र इरत मराहिल से गुज़रते हुए आलम शबाब को पहुँचा तो अल्लाह ताला ने अपना वो अबदी और सरमदी कलाम नाजिल फ़रमाया कि जिसके मुखातब दुनिया के किसी एक खित्ते के किसी एक बस्ती के लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया इंसानियत है और किसी एक ज़माने के लोग नहीं बल्कि क़्यामत तक आने वाले तमाम इंसान उसके मुखातब हैं तो अल्लाह ताला का जो कलाम है यान्नास कह कर पूरी दुनिया इंसानियत को मखातब करता है और फिर इंसानियत में से जो नसीब लोग हिदायत के फैस से फैसयाब होते हैं और हिदायत के नूर से मुनवर हो जाते हैं तो उनको कुरान करीम या यूहल आमनू कहकर मुखातब करता है जी कुरान करीम जनाब नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किल्ला यरफा उबिहादल किताबी अखवाज़ ही आक्रीम कुरान करीम कौमों को उठाता है और कुरान करीम के अहकाम से रूगरदानी की सूरत में क़में गिरती भी हैं तो क़ुरान करीम ने किरदार साजी और सीरत साज़ी का कुरान करीम ने कि कुरान करीम का एक बड़ा वजीफ़ा है कुराने करीम करीमों को बनाता है तो वैसे तो कुरान करीम की हर सूरत और हर आयत अपने अंदर हिदायत का एक बड़ा जहां समोए हुए है जी। लेकिन ये जो सूरत है सूरतुल हजरात इसकी खसूसियत यह है कि इसको मुफसरीन कराम ने इसके नामों में से लिखा है सूरत अखलाकी व आदाब कि ये सूरत हमें अखलाक और आदाब की तालीम देती है जी और जैसे आपने सवाल किया कि इसको सूरतरा क्यों कहा जाता है तो इसकी क़ुरान करीम की जो चौथी आयत है इसके अंदर हजरात का लफ्स आता है जी हजरात हजरे को कहते हैं जी और हजरा हर वो जगह होती है कि जिसको आ, इहाता करके जिसको दूसरी जगहों से अलग किया गया हो जहाँ प्राइवेसी की गई हो उसको हुजरा कहा जाता है तो मस्जिद नबवी के साथ जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मतहरा के लिए जो हुजरे बनाए गए थे जी, तो उन आ, को जो है वो हुजरात कहा जाता है और चूंकि इस सूरत में इसका आ, ये लफ्ज आया है कुरान करीम का उसलूब यह है कि कुरान करीम के की जो आयात हैं और जो सूरतें हैं उनमें चूँकि हर हर सूरत और हर हर आयत के अंदर एक वसी जहाँ बेकनार समंदर वूम का मोजन होता है तो इसलिए कुरान करीम सूरतों के नाम मौजूदती नहीं रखता बल्कि उनकी शनाख्त के लिए कोई ऐसा लफ्ज़ जो उसी सूरत में बेशतर अवका होता है कि उसी सूरत में आता है तो उससे उसका नाम रखा जाता है सही। तो इस सूरत में चूँकि हजरात का लफ्ज़ आया है तो इसलिए ये नाम रखा गया है जी जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है शान नजूर का जी तो शान नजूल असल में वो पस मंज़र होता है जी पस मंज़र कि जिस पस मंज़र में कुरान करीम की कोई आयत उतरी है हम सब जानते हैं कि कुरान करीम का जो नज़ूल हुआ है वो तेईस साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा करके कुरान करीम मुख्तलि हालात और वाक़ात और हवािस की मुनासबत से कुरान करीम की आयात उतरी हैं तो कुरान को समझने के लिए और जो आयात हैं उनके असल तनाजर को जहन में लाने के लिए मुफसरेन कराम इस बात का शुरू दिन से इसका अहतमाम किया है मुफसरिन ने कि उन वाकत पर तहकीक की जाए उन वाक़ात का जिक्र किया जाए कि जिन वाक़ के तनाज में कुरान करीम की आयात उतरी हैं तो इस सूरत हजरात की जो आयात हैं इब्तदाई आयात इन पर भी इनके बारे में भी मुख्तलिफ शान नजूल से मुतक मुख्तलिफ़ रवायात मौजूद हैं जो हम तफसर में इनशाला जिक्र करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया हमने आयात मुबारक का ये जो पहली चार आयात है इनका जब तर्जुमा पढ़ा था हमें एक चीज़ नज़र आई कि अल्लाह रबुलज़त इसमें अदब का हुक्म दे रहे हैं और रसूल करीम सल वसम खुद अपने लिए और अपने रसूल सलील आल वसलम के लिए अदब की तलकिन कर रहे हैं मुखातब सहाब कराम लेकिन कुरान तो अबदी एक कलाम है तो ज़ाहिर है जब तक ये कायनत है तो इसके मुखातब हम सब लोग हैं बहरहाल तो ये इस हवाले से थोड़ा सा बताइए कि ये अदब सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल से के साथ ख़ास है या फिर ये अल्लाह इज़्ज़त के की खलीफा है जो ये पूरी कायनात उनमें और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स वारसिन जो 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 भी उस तबके में आते हैं वो भी इसका हिस्सा होंगे और ये अदब किन किन तबकों तक पहुँचेगा मत देखिए ये क़ुर करीम की जो ये जो सूरत हजरात की इब्तदाई आयात हैं जी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इस पूरी सूरत के अंदर मुसलमानों को इनफरादी और इज्तिमाही ज़िंदगी के आदाब सिखाए गए हैं अकदार सिखाए गए हैं रवैये ठीक करने की तालीम दी गई है तो मुस्लिम माशरे का इज्तम मुसलमान मुसलमानों को जमा करना इजमाहीत ये मुफसरन ने लिखा है कि इस सूरत के मकासद में से एक मकसद है और मुफसरन ने अजीब नुकता लिखा है कि मुस्लिम जो अवमाम हैं और मुसलमान जो मकातब फ़िक्र हैं उन में उनकी जो बाइंडिंग फ़ोर्स है या उनमें जो वहदत का नुक़् हो सकता है वो हुजूर नबी करीम अलैहि वसल्लम की जात अच्छा। मुबारक है तो आप अच्छा। अच्छा। की ज़ात मुबारक की अज़मत और आप की नामूस के तहफ़ का जज्बा और आप अलैहि वम के अकवाल और इशादात का अदब और अहतराम आपकी जात से गैर मुतजलजल अकीदत और मोहब्बत ये वो नुक्ता बन सकता है कि जिस नुक्ते पे पूरी उम्मत जमा हो सकती है तो इसलिए अल्लाह तबीब स के अदब का हुक्म दिया है और अल्लाह ताल ने आप सल्ला व्ल् की गुस्ताखी को अपनी गुस्ताखी करार दिया है इस आयत के सिया में अगर हम देखें तो आप सल्हुहम की शान की में कोई किसी भी किस्म की कोताही वो अल्लाह ताला के गुस्से को अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देने वाली है जैसे इस आयत में फरमाया गया है कि ऐसा ना हो कि आपके अमाल जो है वह हफ्त हो जाए तो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक जो है वो इस उम्मत को जमा करने का एक जरिया है जी। तो आप सल्हम की का अदब और अहतराम ये हर चीज़ से हर चीज़ से मुकदम तो है तो हर चीज़ से फायक है वो जो मशहूर शेर है अलाा अकबाल की तरफ लोग उसको मनसूब करते हैं कि अदब गाहेस्त जेर आसमां अस अर्श नाजुक तर नफस गुम करदम यान जुनेदो व बायजीद इंजा कि ये वो मकाम है अर्श के नीचे कि ये आसमान के नीचे के अर्श से भी नाजुक मकाम है और यहाँ जुनेदीद लोग भी जैसे लोग भी अपना सांस भूल कर आते हैं भी भी तो आप सल्लम का अदब सबसे मुकदम है लेकिन मुफसरिन कराम ने लिखा है कि आप सल्हम के जो वारसन हैं साहब करामा रब्बानी आय मुश्तन और इसके अलावा जो मुसलमानों के किसी भी मुसलमानों के इज्तमियत के किसी भी मनसब पे जो फ़ायदे से मुसलमानों की की इज्तमियत जो मरबूत होती, होती, होती है जो मुसलमानों के निगाहों का मरकज़ होते हैं किसी भी लिहाज से तो उनका भी अदब होना चाहिए उनका भी अहतराम होना चाहिए उनके भी हकूक़ का लिहाज रखा जाना चाहिए बिल्कुल जजाक साहब बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया और एक चीज़ यहाँ पर और वो ये कि आपकी की जो ज़िंदगी अगर हम देखें तो एक हमगीर जिंदगी हजूर ने गुजारी आप सबसे पहले आपको देखें तो आप एक ताजर थे फिर उसके बाद आप एक आप एक रहनुमा तो हैं ही जाहिर है फिर आप एक हुरान भी थे आपने एक हुरान की हैसियत से भी ज़िंदगी गुजारी तो इन इस पर मन... इस पैराए में अगर हम देखें तो रसूल वसम बहसीत हुमरान तो उस तरह भी उनका अदब हम पर लाजम होता है तो इस पैराए में क्या आज के हुमरानों का अदब भी हमारे ऊपर लाजम है क्या जी हाँ देखिए इस सूरत में मैंने अर्ज़ किया कि मुसलमानों की जो इज्तमाही ज़िंदगी है उससे मुतल भी हमें आदाब और अहकाम बताए गए हैं जी और रियासत मदीना एक रियासत थी बिल्कुल और जनाब नबी करीम अलैहि सर्थ वसल्लम उस रियासत के आ, उस रियासत के सरबरा थे बिल्कुल तो यहाँ पर इस आयत की शान नजूल में जो वाक़ हैं और उस वाक़े का आ, मैं ज़िक्र करना चाहूँगा जी कि जनाब नबी करीम अलैहि वसल्लम अपने एक हजरा मुबारका में दोपहर के वक्त आराम फरमा रहे थे जी तो एक वफ़्त आया बन वमीम का वह लोग नए नए मुसलमान हुए थे तो दोपहर का वक्त था वो पहुंचे और पहुँचने के साथ ही वो हजरात मुबारक के पास पहुँचे और वहाँ से आवाज़ें देने लगे कि या मोहम्मद उखरुजना कि मोहम्मद हमारी तरफ आई हो तो अल्लाह ताला को ये अंदाज़ तखातुब पसंद नहीं आया जी। और अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की और अल्लाह ताला ने अदब सिखाया कि अदब सिखाया। अल्लाह के रसूल का अदब ये है कि आप लोग इंतज़ार करते आगे इस आयत में फरमाया गया है कि आपके लिए बेहतर होता अगर आप इंतज़ार करते कि आप से आपकी तरफ़ आते फिर आप उनको मुखातब करते तोा ने लिखा है कि जो हुक्मरान होते हैं वमशाइ होते हैं जो बड़े मनसब पर होते हैं जिनकी बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं जिनसे बहुत से लोगों का वास्ता होता, वास्ता है।, होता है तो उन हजरात से आ, आ, उनकी प्राइवेसी का ख़्याल रखना क्योंकि हर इंसान की एक ज़ाती ज़िंदगी भी होती है होती तो है। उनकी उस जिंदगी का ख़्याल करना उनके उस जिंदगी के तकाज़ों का अहतराम करना और उनके औकात कार का लिहाज रखना ये बहुत ज़रूरी है बहुत जरूरी। तो आ, आप सल्लाम बहसियत रियासत मदीने के सरबरा के लोग आते थे आपके पास तो उनको दीगर कुरान करीम के आयात में भी आदाब सिखाए गए हैं और ये बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में कैसे बैठना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह गुफ्तू करनी है, है। ये सारी चीज़ें सिखाई गई हैं तो जो भी मुसलमानों के किसी इज्तमाही नज़म में किसी अहम जिम्मेदारी पर है जिससे बहुत से लोगों का वास्ता होता है तो हर शख्स की ख्वाहिश होती है ख़ासतौर तो पर बुजुर्गों के बारे में अपने मशाइख के बारे में हर शख्स की अकीदत होती है और ये ख्वाहिश होती है कि उनसे मिलें उनसे करें लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि हमारी ये अकीदत हमारी ये मोहब्बत कहीं उनके लिए अजियत का बारे 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 ना ना बन जाए सही जकुन बहुत बहुत शुक्रिया मुसाब और एक चीज़ और आपकी बात ही से जो मुझे समझ में आई उस पर मज़ीद वसाद आपसे लेंगे कि रसूल वसम की ज़ात तो मासूम है अल्लाह ताली ने उनको मासूम बनाया वो ग़लती से मुबर्र ज है और लेकिन आज कल के जो हुक्मरान हैं जिनकी बात अभी चल रही है आम आवाम तो खैर है ही तो उनसे इख्तलाफ़ अगर उनकी किसी पॉलिसी से किसी बात से उनकी किसी राय से अगर हम इख्तलाफ कर रहे हैं तो इस अदब ये अदब जो है हमें इख्तलाफ़ से तो मना नहीं करता लेकिन कोई इख्तलाफ़ की कोई हदूद तो सिखाता होगा ना जी तो वो हदूद भी ज़रा बताइएगा क्योंकि आजकल जिस तरह से ये सोशल मीडिया का दौर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक हाइप है तो हम देखते हैं कि कभी किसी हाकिम या किसी जमात के सरबरा के बारे में कभी किसी जमात के सरबरा के बारे में कभी किसी के राहबर और क़ायद के बारे में मेलोडी उनकी पेरडी पत्नी क्या कुछ लोग बनाकर आजकल जो तमाशा बना हुआ है और इसको कारोबारी ज़िंदगी बना लिया है लोगों ने तो ज़रा इस इख्तलाफ की हदूद भी ज़रा आप बयान फरमाइएगा बहुत जी मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि ये जो हमारे हुक्मरान होते हैं मनसबदार होते हैं तो जैसे हमें उनसे बहुत तो होती हैं जी और आ, उनका एक हम समझते हैं कि उनका फ़र्ज़ होना चाहिए कि वो हमारी ख्वाहिशात का एहतराम करें और वो हमारे हकूक़ का ख़्याल करें बिल्कुल उसी तरह उनके भी हकूक़ होते हैं तो हमें उनके हकूक़ का भी ख्याल रखना चाहिए मुसलमानों को बाकायदा फीका में लिखा हुआ है बहुत सारे कि हमारे मुस्लिम हुकमरानों के क्या उनके हकूक़ होते हैं तो उनके हकूक़ में से एक ये भी है कि हम उनके लिए दुआ करें उनके हकूक़ में से एक ये भी है कि हम उनके साथ खैर खाही का जज्बा रखें और अगर उनके उनकी किसी बात से किसी पॉलिसी से किसी भी चीज़ से हमें इख्तिलाफ है तो अख्तिलाफ़ करने का तो इस्लाम जो है वो इससे मना नहीं करता बल्कि हमारी बहुत रोशन तारीख है इस बारे में क्या ज़रतर तानु से बरसर मेंबर सवाल किया जाता है बिल्कुल, तो सवाल करना इख्तिला करना ये कोई बुरी बात नहीं है लेकिन करने का तरीका ये होता है कि सबसे बुनियादी बात यह है कि उसके पीछे खैर का जज्बा होना चाहिए खलूस का होना चाहिए फिर लहजा भी खैर का होना चाहिए और अगर लहजा खैर खाही का नहीं होगा तो फिर इससे माशरे में मफासद फैलते हैं ये जो आयात हैं इन आयात की शान नजूल में मशहूर वाक़ है कि जनाब नबी करीम सल्हलम की मजलिस में जो ये जो वफ़्त आया हुआ था इस वफ़्त का आ, क्या अमीर किसको मंतख किया जाए इस पर मुशावरत चल रही है सही। सही। तो सहीदिन हजरत अब बकरीक रजान ने एक राय दी सईदिन हज़रत उमर रज ने एक दूसरी राय दी फिर दोनों हज़रात ने अपने अपनी आरा के हक में तायदी दलाइल दी और जैसे हम जानते हैं कि जब ऐसा दलाइल दिए जाते हैं तो बसा अवकात गैर शोरी तौर तो पर भी आवाज़ बुलंद आवाज हो, हो जाती है तो इसलिए तो इस ये जो दूसरी आयत है इस आयत में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि अपनी आवाज़ें नबी के सामने अपनी आवाज़ें बुलंद न करें तो एक तो नबी के सामने ये एक नबी करीम के अदब की का मौजू है जिस पर हम बात कर चुके हैं लेकिन उलमा ने लिखा है कि इसमें हमें इख्लाफ के आदाब भी सिखाए गए हैं कि हम अपनी राय का इजहार ज़रूर करें अपनी बात हम ज़रूर पेश करें लेकिन अपनी राय के इजहार में हम इस तरह यानी हदूद से आगे निकल जाएं कि हमारी आवाज़ जो है वो शोर में तब्दील हो जाए शोर में तब्दील। और हम जो है वो अख्तलाफ को ख़िलाफ़ बना दें तो ये चीज़ जो है वो ममनू है और इससे जो है हमें हिदायत की गई है कि इससे हमें बचना चाहिए हाँ जी बिल्कुल जजाक इख्तलाफ को खिलाफ नहीं बनाना चाहिए बहुत खूबसूरत बात इशाद फरमाई आपने दूसरी आयत में और तीसरी आयत में अगर हम मिलाकर देखें तो बुनियादी तौर पर दो चीज़ों पर जोर जोर है मुसह की आवाज़ें बुलंद नहीं करनी और पस्त रखनी है तो जब हम बुलंद नहीं करेंगे तो उसका लाजिम नतीजा है कि वो पस्त होगी तो ये जो सबक है नाजिर मोहतरम कि हमने अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करनी ये जरूरी नहीं है मुसह इसकी तस्दीक तरदी फरमाएँगे उस मौजूद हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई हमारा हम ख्याल हो वो उम्र में अगर हमसे बड़ा है वो किसी के नज़दीक बड़ा है वो किसी कबीले का सरबरा है किसी पार्टी का बड़ा है तो भी हमें उसके सामने अपनी आवाज़ को पस्त रखना है मुसाब। अगर मैं दुरुस्तों तो तस्दीक वरना तरदीद कीजिएगा इस बात की मैंने अर्ज़ किया कि येलाकियात का है ये नहीं कि हम किसी किसी लीडर के तनाजर में ही हम ये बात सोचें जी। या जी। किसी खास तनाजुर में सोचें एक मुसलमान की शान ये है कि वो किसी भी मौजूद पे जब बात करे इख्लाफ करें तो उसिला में उसका उस अख्तलाफ में उसके जो अल्फाज हैं उसके पीछे भी खैर खाई का मनसर होना चाहिए और अल्फाज के इंतबा में भी खैर खाई के पहलु को सामने रखना चाहिए और शायस्तगी का लिहाज रखना चाहिए और इख्लाफ हम करें तो उसके पीछे दलील हो और उसके पीछे किसी की तजहीक करने का करना मकसूद ना हो किसी पे आ, अपने आप अपनी राय को थोपने का जो उन, आ, वो है तासुर है वो तासुर उसमें पैदा ना हो जी तो ये ज़रूरी है जी बिल्कुल आप, अच्छा ये जो आखिरी आयत है चौथी आयत आज के दर्स की इन लदीन युनाधुना का हजरात यानी हजरों हुजर, में आप हजरे में थे और आवाज़ें जा रही थी वहाँ पर तो इससे जो है वो मैंने कहीं पढ़ा है कि किसी बड़े को पीछे से यानी अगर वो जा रहे हैं अपने किसी काम से तो पीछे से उसको जोर से आवाज़ देना ये इसकी भी मुमानत है इस आयत की रू से मुस क्या फरमाएंगे जी हाँ आदाब में लिखा है मुफसरीन किराम ने कि एक तो ये है कि किसी को भी हम मुखातब करें तो उसकी जो हैसियत, उर्फी हैसियत। है उसका जो मनसब जी है जी उसके तकाज़ों के मुताबिक हम बिल्कुल, उनको बिल्कुल, पुकारें यानी इस वाक़े के तनाजर में भी जो उन हज़रात ने या मोहम्मद कहा तो अल्लाह तो को पसंद नहीं आया अल्लाह ताला को ये पसंद था कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या रसूल अल्लाह के कर मुखातब करें तो किसी को भी हम पुकारें किसी को भी मखातब करें तो उसकी जो उर्फी है जो उसका मनसब है जो उसकी यानी वो एक ऐसा उसका तारुफ है कि जो तारुफ जो है वो पसंद करता है तो और हकीकत भी है तो हम उस मनसब का जो है वो उसका भी एहतराम करें।, करें और उसका लिहाज करते हुए हम उसको मुखातब करें और मुखातब करने के लिए ये ज़रूरी है कि कोई इंसान अगर अपने किसी ज़रूरी काम से जा रहा है कहीं रास्ते में है तो उसको आवाज़ देना रोकना और इस तरीके से जो करना मुखातब करना ये कोई ठीक तरीका नहीं है ठीक तरीका नहीं है बहुत बहुत शुक्रिया मफ़ जजाक हम आखिर में एक दफ़ा फिर इन चार आयात का तर्जमा जो है वो दोहरा लेंगे और उसके साथ ही इस प्रोग्राम इस एपिसोड का आज की सुरह हजरात की इन चार आयात वाली इस आज के एपिसोड का अखता होगा इनशा अज़बिल्लिमिन शुआन रजीम या यूलिन आमन लातम बेनाद व रसूल वत इन सम आलिम ए ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे ना बढ़ा करो और अल्लाह से डरते रहो और यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनता सब कुछ जानता है या यूह लदीन आमन ला तरफ़ा असवात कुम्फोसौतिन नबी ए ईमान वालो अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ से बुलंद मत किया करो वला तहरु लहू बिलकौली कजह रिबाजुम लिबास और ना उनसे बात करते हुए इस तरह ज़ोर से बोला करो जैसे तुम एक दूसरे से ज़ोर से बोलते हो अंत बफ आमाल वन ला तशुरून कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाए और तुम्हें पता भी ना चले इनदीन आइंद रसूल्ला यकीन जानो जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी आवाज़ें नीची रखते हैं उलाकदी नम तहन क़लू बहुम ती वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने खूब जाँच कर तकवा के लिए मंतखब कर लिया है लहुम मगफरतूँ व अजर नाज़ीम उनको मगफरत भी हासिल है और ज़बरदस्त अजर भी इनदी यून कमीम वराजराती अक्सर हमला याकिलोन ए पैगम्बर जो लोग तुम्हें हजरों के पीछे से आवाज़ देते हैं उनमें से अक्सर को अकल नहीं है नाजिर मोहतरम बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम शरीक रहने के लिए और इन श्ला अब तो सिलसिला है अच्छा। और चलता रहेगा अल्लाह ताली ने ज़िंदगी दी तो इनशा लजीज़ और आप हजरात से दरख्वास्त है कि आप मुसलसल दरसे कुरान के इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए और इसके अलावा जो भी टॉपिक रोज़ रोज़ाना के हिसाब से होंगे इन शजीज़ वो हम आपकी ख़िदमत में लेकर हाज़िर होते रहेंगे अल्लाह ताला से हम एक दूसरे की सेहत आफ़ियत तंदरुस्ती के लिए दुआ करेंगे अपने आस पास अपने अड़ोस पड़ोस अपने अजीज वकारीब दोस्ब आप का ख्याल रखेंगे इन शजीज़ अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे इसी के साथ